एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लगभग 58 दिन हो चुके हैं और अभी भी आंदोलन लगातार जारी है। साथ ही 26 जनवरी आने वाली है और हर बार की तरह किसानों ने एक बार फिर अलग तरीके से आंदोलन करने का फैसला लिया। किसान बोले, दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर फहराएंगे झंडा। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा दुबे की यह रिपोर्ट। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लगभग 58 दिन हो चुके हैं और अभी भी आंदोलन जारी है। 26 जनवरी आने वाली है और हर बार की तरह किसानों ने एक बार फिर अलग तरीके से आंदोलन करने का फैसला लिया है। अभी मैं मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर लगभग 58 दिन से किसान आंदोलन जारी है और लगातार सरकार से बातचीत चल रही है और इनका कहना है कि जो 26 जनवरी है उस पर रैली निकाली जाएगी दिल्ली में। तो इसको लेके हम किसानों से बात करेंगे कि आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे जत्थेबंदियां दिल्ली की ओर जाएंगी और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम है नकुल नडाणा। कहाँ से आप? नडाणा से, जींद से, हरियाणा से। जो 26 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है आपकी तरफ से, हाँ, इसको लेके क्या बोलेंगे आप? हम तो जाएंगे 26 तारीख को दिल्ली में जाएंगे और लाल किले पे झंडा फहराएंगे। सभी ने यही प्लानिंग बना रखी, हमारे नेता है आदरणीय चुडनी जी, उनका आदेश है भाई बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में लाल किला पे झंडा फहराना, उन्हीं का हम निर्णय मानेंगे। किसानों का कहना है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है तो ठीक, नहीं तो परेड निकालेंगे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, फ्लैग के साथ जाएंगे। हमने 1.5-2 महीना आ गया जी, चाय पकौड़ा प्रोग्राम कराया हुआ है और इसमें बैठे हम सेवा कर रहे हैं किसान भाइयों की। और हम तो मोदी जी से की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, इतनी ठंड में बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी बैठे हैं, कम से कम इनकी आत्मा की आवाज़ सुनो आपके माध्यम से। और सरकार तो एक वो कहावत है, जैसे एक टेलर चला गया कुर्ता पजामा सामान, वो पजामा गलत सीम दिया न, वो फिर टेलर कच्चे के फायदे बताने लग गया, जो कच्चे के बाकी उसका कच्चा बनवा ले, पजामा खराब हो गया, तो सरकार फायदे बताने लग रही है इसकी, किसान मानते नहीं है और हम परेड निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे। जब आप लोग शुरुआत में यहाँ पर आए थे तो क्या लग रहा था कि इतना लंबा टाइम यहाँ पर रुकना पड़ेगा? जी हम तो सोच के तो और भी लंबा चले थे, क्योंकि ये सरकार जितनी हठी हो रखी है इनके, देखो अभी आज भी मीटिंग है, देखो क्या फैसला आता है। अगर हमारे पक्ष में आता है तो हम उनका उसका स्वागत करेंगे उस फैसले का, और अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो जी हम 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, इंडिया गेट तक जाएंगे। टीकरी बॉर्डर से पल पल की जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर।